राजमा की हम लोग सब्जी बनाएंगे, जिसके लिए हमने देखिए राजमा लिया है, 250 ग्राम राजमा था, जिसको 12 से 13 घंटा के लिए हमने पानी में भिगो लिया है। इसको कुकर में डालेंगे। कुकर में हमने राजमा डाल दिया है, इसी के साथ नमक डालेंगे, हाफ स्पून नमक, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा ये फूल डालेंगे, जिससे कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और राजमा का टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ पानी डाल देंगे 2 ग्लास, 3 ग्लास वाटर डाल देंगे इसमें, और इसको कवर करके सभी चीज को हमने डाल दिया है, हल्का सा मिक्स करके कवर करके इसको 3 व्हिसिल आने तक हम लोग बॉईल कर लेंगे। कुकर का लीड हमने लगा दिया है, 3 व्हिसिल आने देंगे। 3 व्हिसिल आने के बाद हमारा राजमा जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाएगा। जब तक हमारा राजमा में व्हिसिल लग रहा है, तब तक इधर मसाला भून के तैयार कर लेते हैं, झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। उसके लिए हमने एक कढ़ाई रख दिया, उसमें कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाना पसंद करते हैं उसमें बना सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल लगेगा, 5 से 6 स्पून के लगभग। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें 1 स्पून जीरा डालेंगे, इसी के साथ 3 लौंग, 2 तेज पत्ता, 3 बड़े साइज का प्याज को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, वो प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं कलर चेंज होने तक। प्याज को थोड़ी देर के लिए हमने भून लिया है फुल फ्लेम पर रखते हुए। प्याज देखिए हल्का कलर भी चेंज कर दिया और अच्छी तरीके से भुना चुका है प्याज। इसी के साथ इसमें हम ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 स्पून। इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। लहसुन को भी हमने 1 मिनट के लिए भून लिया है। इसी के साथ हम लोग इसमें टमाटर डालेंगे, 2 बड़े साइज के टमाटर है, हमने रफली चॉप कर लिया है। छोटा साइज हो तो 3 से 4 ले सकते हैं आप टमाटर का, क्योंकि इसका ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनता है राजमा में और बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। इसी के साथ नमक डाल देंगे, टमाटर डालते ही नमक डाल दीजिए ताकि टमाटर जो अच्छे से गल जाए। तो नमक एकदम ध्यान से डालिए, क्योंकि हमने राजमा में भी नमक डाला था बॉयल करते समय, इसीलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 स्पून नमक, और इसी के साथ हल्दी पाउडर भी डाल देंगे 1 स्पून हल्दी पाउडर, ताकि भुना जाएगा, हल्दी भी भुना जाएगा मसाला के साथ में ही। और इसको चलाते हुए बीच बीच में कवर करके टमाटर को अच्छे से गलने तक पकाना है। मसाला देखिए अच्छे से भुना चुका है, अब सूखा मसाला जो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे साथ में, धनिया पाउडर 1.5 स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 स्पून, इससे तीखापन बिल्कुल नहीं होता है, कलर खाली बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ राजमा मसाला 1 स्पून और गरम मसाला 1/2 स्पून, सभी को मिक्स कर दे रहे हैं। सभी मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसी के साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जो अच्छे से भुना जाए, और इसको चला करके मसाला को इसी के साथ थोड़ा सा भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। सारे मसाले देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुके हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है। इस तरीके से जरूर राजमा घर में बनाइएगा, आप तो बहुत तरीके से बनाए होंगे, लेकिन मेरे स्टाइल में एक बार जरूर बना के देखिएगा कितना टेस्टी बनता है। तो ये राजमा भी हमारा तब तक पक चुका था, ये जो हमने डाला था इसको निकाल के हटा देंगे, दालचीनी को और फूल को दोनों को निकाल देंगे, इसमें सारा राजमा को हम लोग डाल देंगे। सभी को मिक्स कर दे रहे हैं।
राजमा जो है देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। इस तरीके से राजमा को बॉईल कर लेंगे। 3 विसिल मारने से पूरा अच्छे से पक जाता है। अगर नहीं बॉईल हो रहा है आपका अच्छे से तो 1 विसिल और लगा दीजिएगा, अच्छे तरीके से पक जाएगा। सारा पक चुका है, सभी को मिक्स कर देते हैं। सारे राजमा को हमने मिक्स कर दिया है मसाला के साथ। हमने जो राजमा बॉईल किया था उसका ये पानी है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, पानी को इसमें यूज़ कर लेंगे। जितना ग्रेवी चाहिए आपको उसके हिसाब से ग्रेवी डाल दीजिएगा। मैं हाफ डाल के देख रही हूँ, अगर और चाहिए तो डाल सकते हैं। और सभी को मिक्स कर दे रहे हैं। सभी पानी हम लोग डाल दे रहे हैं क्योंकि ग्रेवी बहुत ही कम लग रहा है और राजमा जो है थोड़ा सा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए सारे पानी को हमने इसमें डाल दिया है। आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं, इसके साथ सूखी चपाती के साथ, जीरा राइस, सादा राइस किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए इस तरीके से राजमा एक बॉयल आने देते हैं, उसके बाद राजमा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए बॉयल आ चुका है फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ है राजमा की सब्जी। अब इसी के साथ थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर देते हैं। इसको भी मिक्स कर दे रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल मेरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप देख करके राजमा की सब्जी जरूर बनाइएगा। और वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। जो हमारे चैनल पे न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की न्यू वीडियो की रेसिपी की लिंक आपको सबसे पहले मिले और आप आनंद ले सके। तो चलिए इस तरह से बनाइए, घर में एंजॉय कीजिए राजमा की सब्जी और इसके साथ जीरा राइस, चपाती किसी चीज़ के भी साथ साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।